बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मजेदार मिठाई जिसका नाम है शाही टुकड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैं रचना और मेरे चैनल रचना इन द किचन में आपका स्वागत है। तो हमें शाही टुकड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पेन रख दिया है जिसके अंदर मैंने आधा लीटर दूध लिया है, उसको हम डाल देते हैं और हमें इसकी रबड़ी बनानी है। तो हम इसको धीरे धीरे इस तरीके से चलाते रहेंगे, मलाई नहीं आने देंगे और हम इसको इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे दूध में उबाल आ चुका है तो हमें मिक्स इसी तरीके से करना है, पर मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है मिल्क पाउडर, तो हम इसको भी दूध में डाल देते हैं और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो हमने मिल्क पाउडर को दूध में अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अब मैं यहाँ पर डालूंगी मलाई। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश मलाई ली है जो आज के दूध से ही निकली है, तो यह मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हमने मलाई डाल दी है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जितना दूध है इससे हमें आधा होना है, तब तक हम इसको इस तरीके से अच्छे से चलाते रहेंगे। तो हम यहाँ पर बीच बीच में चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है तो इसके अंदर मैंने 1 कप चीनी ली है, तो इसको मैं डाल देती हूँ और इसी की नाप से मैं 1 कप इसमें पानी डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, तो अब हम गैस चालू कर देते हैं। और हमें यहाँ पर ज्यादा गाढ़ी वाली चाशनी नहीं चाहिए, हमें एकदम पतली वाली ही चाशनी चाहिए। तो हम इसको चालू कर देते हैं और अच्छे से चलाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर हमारी चाशनी इस तरीके से बन गई है और हमें इसी तरीके की चाशनी चाहिए थी, तो हमने यहाँ पर गैस बंद कर दिया है और हम चाशनी को ठंडा होने देते हैं। तो चलिए अब मलाई को देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मलाई भी हमारी, दूध हमने जो लिया था उससे आधा हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं ये केसर। मैंने यहाँ पर एक कुछ केसर के धागे दूध में भिगो कर रखे थे, तो इसको भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये भी इसके अंदर मैं डाल देती हूँ और इसको हम बस अब 1-2 मिनट रखेंगे और यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी रबड़ी बन चुकी है और यहाँ पर हमने जिसमें मलाई डाली है तो मलाई से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और यहाँ पर मलाई मावा का काम करती है। तो हम इसको 1-2 मिनट चलाते हैं और बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें चलाते चलाते वापस से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारी रबड़ी ये देखिए इस तरीके से बन चुकी है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और रबड़ी को ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये ब्रेड लिए हैं, तो इनको हम इस तरीके से लेके यहाँ पर इसके स्लाइसेस काट लेंगे। हमें इनके ये किनोर नहीं निकालना है, हमको बस इस तरीके से बीच में से इसके 2 पीस काट लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम सभी को काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस पर तवा गरम रख दिया है और तवा गरम हो चुका है, तो जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस काटे हैं हम इनको इसके ऊपर रख देंगे सभी को इसी तरीके से और इनको हम थोड़ा सा सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे ब्रेड के स्लाइसेस रख दिए हैं, तो इनको हम थोड़ा सा नीचे से इनका गोल्डन कलर आने देते हैं, उसके बाद में हम इनको पलटेंगे। तो चलिए हम ब्रेड को पलट देते हैं। ये देखिए इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है, तो हम सभी को इस तरीके से पलट देते हैं। तो हमने यहाँ पर सारे ब्रेड के स्लाइसेस को पलट दिया है, तो अब हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे इस तरीके से सभी पे। तो यहाँ पर हमने सारे स्लाइसेस पर घी लगा दिया है, तो हम इनको एक बार और पलटेंगे और हम इन पर फिर से घी लगाएंगे, क्योंकि हमें ब्रेड के स्लाइसेस एकदम क्रंची वाले चाहिए। तो यहाँ पर हम इनको सभी को पलट देते हैं और हम इन पर फिर से घी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी ब्रेड के स्लाइसेस पर घी लगा दिया है और ये देखिए इस तरीके से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो चुके हैं। आपको आवाज़ सुनाई दे ही रही होगी, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पर गैस बंद कर देते हैं और इनको हम सभी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो चाशनी बना के रखी थी वो चाशनी हमने ले ली है, तो इसके अंदर हम ये हमने स्लाइसेस जो ब्रेड के काटे हैं इनको हम डाल देते हैं और हमें इनके अंदर ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस हमें इनको इसके अंदर डालना है और पलटना है और निकाल देना है इस तरीके से। तो हम इस तरीके से सारे निकाल लेंगे, दूसरा भी इसी तरीके से डाल देती हूँ।
हमने यहाँ पर सभी पर चाशनी लगा दी है। तो अब आती है यहाँ पर रबड़ी की बारी। तो अब हम यहाँ पर सभी पर इस तरीके से रबड़ी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने रबड़ी डाल दी है। तो अब हम इस पर डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ता ले लिए हैं, तो ये भी हम इनके ऊपर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा शाही टुकड़ा बनकर एकदम तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही हेल्दी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे बनाना चाहे तो छोटे मोटे त्योहार पर बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी वाली मिठाई बनकर तैयार होगी। और अगर आपका कभी कुछ मीठा खाने का मन हुआ तो भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो भी नए नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।